अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक है, जैसे मज़े में होंगे। हम भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, तो फ्राइडे का दिन हो तो बिज़ी ना होगे तो हो ही नहीं सकता। फ्राइडे को पता नहीं क्या बात है कि काम जल्दी करने भी होते हैं और काफ़ी बिजी डे हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल से जल्दी आना होता है, खाना भी जल्दी बनाना होता है, जुमे का टाइम होता है, नमाज का टाइम होता है, इसलिए ज़रा ना अफरा तफरी सी फैली हुई होती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने लिए बना रहे हैं अंडा। उन्होंने कहा कि मैं अंडा खुद फ्राई करूंगा और बिल्कुल परफेक्ट फ्राई करती है। मुझसे ज़्यादातर ये हो जाता है, अगर मैं तवे पर बनाऊंगा तो जल्दी टूट जाती है। फ्राई पैन में बना लेती हूँ, तवे पर बनाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक बना लेते हैं। अच्छा, तो ये एक नेचुरली बात है कि जेंट्स के हाथ में ज़्यादा टेस्ट होता है। हमारे घर में कोई भी जैसे मेल खाना बनाए ना तो बहुत मज़े का बनता है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इसमें कौन सा अलग सा टेस्ट आ गया। अक्सर ऐसा होता है कि मेरा जब खुद बनाने को अपने हाथ का दिल नहीं करता ना खाने को, कि मैं कहती हूँ कोई और बना दे, तो यहाँ तो और कोई है नहीं, तो मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा ऐसे सिर्फ इतना कर दें कि आप ना स्पाइसेस अपने हाथ से ऐड कर दें, और यकीन करें बिल्कुल ये लाइट फ्लेवर का खाना बनाती हैं। खाली नमक डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी, फीका फीका लगता है, लेकिन इतना मज़े का उसमें जो टेस्ट आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती है। तो उन्होंने देखिए कितना अच्छा अपने लिए अंडा फ्राई कर लिया। तो अभी मैं ना जल्दी से बच्चों के लिए, मैंने कहा स्कूल का हाफ डे है तो कुछ लाइट सा उन्हें बना के दे देती हूँ। पैन में ही मैंने ना केक बनाया और यकीन करें इतनी जल्दी बनता है ना, 5 मिनट सिर्फ चूल्हे पे मैंने रखा था, बहुत जल्दी बन जाता है ना, बर्तनों का झंझट कुछ भी नहीं है, ईजिली काम। इसमें मैंने 5 चम्मच ऑयल ऐड किया है, घी भी ऐड कर सकते हैं, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया और हाफ कप मैंने इसमें चीनी पीस के डाली। अगर आपकी बारीक है तो आप ना पीसें, ऐसे ही डाल दें, मैंने पीस के डाली। एक अंडा ऐड किया और मैं इसमें 4 टेबल स्पून मैदे के ऐड कर दूंगी और 1/4 टीस्पून मैं इसमें मीठा सोडा ऐड करूंगी, 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी, और इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और वनीला एसेंस भी है तो वो भी ऐड कर दें। और फिर मैंने इसमें 4 टेबल स्पून दूध के ऐड किया, और आप देखें कि इतना स्मूथ हो जाएगा ना, अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाए। अब हम इसे चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है। अगर आपका फ्राई पैन पतला है तो आप ऐसा करें कि तवा नीचे रख के फिर रखें, मैंने भी तवा ही रख के फिर रखा है, बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और अगर आपने पैन में खाना है तो पैन में खा लें, मैंने बच्चों को टिफिन में निकाल के देना था इसलिए मैंने कट कर लिया, इसे निकाल दिया। ऊपर मैंने थोड़े से 2 चम्मच दूध में थोड़ा सा मेरे पास चॉकलेट सिरप था वो ऐड कर दिया, और जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट थी उसे भी 2 चम्मच दूध में मैंने मिक्स कर दिया और इसके ऊपर लगा दी। इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हम डेयरी मिल्क को ना मेल्ट करके खा रहे हैं। तो ये देखिए इसके पीस भी आप खुद देख लें, पैन में इसके पीस भी इजीली हो गया, मैंने पीस करके भी आपको दिखा दिए। अगर पैन में खाना चाहते हैं तो पैन में खा लें। बच्चों के लिए ये 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है, स्कूल के लिए बच्चों का कभी दिल करता है थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए, हाफ डे था तो इसलिए मैंने जल्दी से बच्चों को ये बना दिया। और मेरे बेटे ने देखें अपना ही काम किया, उसने ही इसके ऊपर 2 बिस्किट्स रखे और ये वाकई बहुत मज़े का बना था। तो चलिए जी, आज मेरा दिल था कि फ्राइडे है तो क्यों ना बिरयानी बना ली जाए। मैंने इसमें 3 प्याज लिए हैं, 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, और इन्हें हल्का सा ब्राउन करूंगी फटाफट। इन्हें जब इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाता है ना तो फिर इसमें लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, एक फ्राइडे वाले दिन होता है कि कुछ स्पेशल होना चाहिए, सब मिलके खाते हैं, सब घर वाले घर पे होते हैं तो मिलके खाते हैं, और एक संडे वाले दिन ऐसा होता है कि दिल करता है कि सब ना एक साथ खाएं। तो जी अच्छा, मैंने लहसुन अदरक को भी डाल दिया, हल्का सा इसे भून लूंगी। फिर मैंने इसे 4 अदर टमाटर डाले हैं और 3-4 हरी मिर्चों को कट लगा के डाला है। टमाटर चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, खैर मैंने दही ज़्यादा डाला था इसलिए मैंने टमाटरों की मिकदार थोड़ी कम रखी थी। 4 टमाटर थे, बड़े साइज़ के टमाटर थे। अब मैंने इसमें हाफ पैकेट जो है ना बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने खुद से भी स्पाइसेस ऐड करने हैं इसलिए हाफ किया है। और इसमें मैंने तकरीबन 1/2 किलो से थोड़ी सी कम मैं दही ऐड करूंगी, थोड़ी सी मैंने इसमें दही ऐड किया और थोड़ी सी मैं चिकन के साथ ऐड करूंगी। अब इस मसाले को अच्छे से हमने भून लेना है और दम पे रख देना है। अब ये देखें जी, मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाले थे और 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा दही थी, 1/2 पैकेट जो मैंने मसाले का बचाया था वो इसमें डाल दिया था, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़रदा कलर भी ऐड कर दिया था ताकि हमारे चिकन को ना हल्का हल्का कलर आना चाहिए। तो अब मैं इसे हल्के से चूल्हे पर रख दूंगी, यह हल्का हल्का पकता रहेगा और चिकन इसी में एक तरह की फ्राई हो जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर हम चिकन को सेपरेटली करते हैं। अब जो मैंने ये टमाटरों का मिक्सचर तैयार किया था, मैं उसमें थोड़ी सी इमली का पेस्ट भी बना के डाल दूंगी। इमली बहुत ज़्यादा खट्टी थी तो मैंने उसमें पानी ही डाला था सिर्फ। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, यहाँ पर मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी रख दिया है और मैंने थोड़े से आलू भी डाले हैं, क्योंकि ना भी आलू शौक से खाती है, वैसे भी बिरयानी के साथ ना आलू मज़ा करते हैं।
जी मैंने आलू भी साथ डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें मैंने जो गरम मसाला था वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, ये सिरके का ये है कि अगर चावल उबालते हुए हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे ना, तो इससे जो चावलों का कोने होते हैं ना अक्सर बॉयल करते हुए मुड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि चावल बहुत व्हाइट कलर में और बिल्कुल खिला खिला चावल बनेगा। और आप देख सकते हैं चावल बॉयल हो गया, और इतने माशाल्लाह से ये खिले खिले चावल बने थे, बिल्कुल व्हाइट कलर चावलों का आया था, वरना ये हो जाते हैं मिल्की कलर में आ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल व्हाइट थे चावल। और मैंने इन्हें बॉयल करते हुए 2 चम्मच ऑयल का भी डाला था, ऑयल से क्या हो जाता है कि चावल हमारा टूटता नहीं है। अब मैंने जी सबसे पहले चावलों की तह लगाई है, उसके ऊपर मैंने ये सारा मसाला डाल दिया जो मैंने बिरयानी का बनाया था, और फिर लास्ट पर मैंने चिकन ऐड किया। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें धनिया पुदीना और जो मैंने फ्राई की हुई प्याज थी वो इस पे डाल दिया। फ्राई की हुई प्याज दम पे डालने से ये हो जाता है कि इसकी खुशबू, जब हम दम खोलते हैं ना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है प्याजों की। तो फिर से मैं दोबारा से फिर वही काम करूंगी, पहले चावल डालूंगी, फिर ऊपर से सारा कुछ धनिया पुदीना और फ्राई प्याज डाल दूंगी, और मैं इसमें 2 नींबू भी ऐड करूंगी। नींबू चावलों के ऊपर जब हम ऐड करते हैं ना, तो नींबुओं से चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि चावल बिल्कुल सादा होते हैं, नमकीन होते हैं, तो नींबुओं से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो लास्ट में जी मैं इसमें ऑयल भी दम पे लगाने से पहले ऑयल भी लास्ट में लगाऊंगी, ताकि चावल हमारे ड्राई ना हो, ये मसाले के साथ बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट होने चाहिए। अब मैंने जरदा रंग डाल के ऊपर बिल्कुल बिरयानी को दम लगा दिया, और साथ ही मैंने सलाद भी काट लिया, प्याज काटे हैं मैंने, सलाद पत्ता काटा है, और खीरे काटे हैं, और ऊपर से नमक लगा के नींबू निचोड़ दिया। इतने मजे का सलाद लगता है ना जब हम बिरयानी के साथ खाते हैं, क्योंकि मेरे घर में रायता कोई इतने शौक से नहीं खाता है, सिवाय मेरे बेटे के, वो बिरयानी के साथ रायता खाता है। मेरे हस्बैंड को रायता बिरयानी के साथ खाना अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे ही चावल खाते हैं। और देखिए चावल माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं, आपको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि बिरयानी कैसी बनी होगी। आप भी बिल्कुल इसी तरह बना के एक दफा ट्राई करके देखिएगा कि इस तरह चिकन को बनाने से बिरयानी में कितना अलग सा फ्लेवर आता है। चलें जी, हमारा खाना तैयार हो चुका है, तो मैं सबसे पहले ऐसा करूंगी कि मैं किचन वगैरह साफ कर लूंगी, क्योंकि ऐसे खाने बनाते हुए ना लाजमी किचन में मैस हो जाता है और बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मैं चूल्हा वगैरह साफ कर लूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, अगर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, दुआओं में मुझे अपनी याद रखा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।